नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। कैंट पुलिस द्वारा विगत दिनों पकड़े गए सेक्स रैकेट के मामले में आज कैंट पुलिस द्वारा 3 गिरफ्तारियां और की गई हैं, जिसकी जानकारी देते हुए कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनमें 4 महिलाएं एवं 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होना बाकी है और कई लोग फरार चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द सबके सब सलाखों के पीछे होंगे। ये 31 जनवरी की रात में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। 20 दिन बाद ये लड़की दस्तयाब हुई, क्योंकि ये घर में बंद थी, इसको बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। को वहाँ से दस्तयाब किया और कुछ आरोपियों की वहाँ से गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 लड़कियाँ और एक आरोपी व्यक्ति युवक था। सर, इसमें अभी तक कितने आरोपी हैं? अभी तो इसमें टोटल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जो कि आज 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक महिला, एक लड़की युवती और एक लड़का इसमें गिरफ्तार किया। पूर्व में 3 की हो गई, टोटल भी 6 हुए और काफ़ी अभी इसमें आरोपी फरार हैं। कितने आरोपी? अभी तो काफ़ी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी राजीव दुबे से नाराज लोग पहुंचे आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय। यहां इन गुस्साए लोगों ने थाना प्रभारी के पुतले को जूतों की माला पहनाकर किया विरोध प्रदर्शन, वाइस का पुतला भी फूका। पूरा मामला दरअसल यह है कि मधुसूदनगढ़ के पास रहने वाले कनीराम और उसके परिवार पर पुलिस का कहर कुछ इस तरह टूटा, जिसे सुनकर आपके भी हौसले उड़ जाएंगे। मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी राजीव दुबे ने कनीराम को इस तरह पीटा कि वह चल भी नहीं पा रहा है, उसे चलने के लिए 2 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल कनीराम मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। कनीराम जहां रहता है उसी के पास कुछ दबंगों की जमीन भी है, जबकि जिस जमीन पर कनीराम रहता है उस जमीन का हर साल कनीराम टैक्स भी तहसील मधुसूदनगढ़ में भरता आ रहा है, जिसकी रसीदें भी कनीराम के पास हैं। सूत्रों के अनुसार मामला यह है कि आसपास के दबंगों की नजर कनीराम की जमीन पर है, जिन्होंने मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी से साठगांठ कर कनीराम को उसके घर से भगाने के लिए कहा है, और थाना प्रभारी भी इसी के चलते कनीराम के घर पहुंच गए और कनीराम और उसके माँ बाप व बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा, साथ ही थाने ले आए। इसके बाद थाने लाकर भी कनीराम को थाना प्रभारी ने बुरी तरह मारा पीटा। यहाँ कनीराम ने बताया कि थाना प्रभारी ने उसे इस तरह पीटा जिससे कि वह 2 बार बेहोश हो गया, और फिर पुलिस वालों ने उस पर पानी डाला जिससे वापस होश में आया और फिर उसके साथ पिटाई की। हमारे साथ ये हुआ साहब, रात आए और हमारे बहुत मार पिटाई की। हमने दरोगा साहब, दोनों दरोगा थे और हेड साहब थे, और पुलिस की 8-10 लोग आए थे साहब। 6-7 जने तो मुझ पर मैं हाथ जोड़ने गया था, हाथ जोड़ने पे फिर पटक लिया साहब, ये उंगली तोड़ दी, ये उंगली है मारा। कोई पता नहीं साहब, कैसे उठा ले गए? बच्चे को उठा उठा को फेंक दिए साहब, कपड़े तोड़ दो बोलने गए तो ऐसा मकसूदगढ़ एक किला। हम कम से कम मुझे तो साहब 2-2.5 घंटे तक मुझे होश भी नहीं था। 2 बार तो पानी पटक पटक के होता है, मम्मी पापा बोलने गए तो क्या पता साहब, आदमी वहाँ पर कोई लग रहा है। मेरे पास सरकारी जगह थी साहब, 1-1.5 बीघा, उसकी मैं हर साल रसीद लेता हूँ, और उसके वजह कोई नेता लग रहा है साहब, उनकी वजह आके पूरे पुलिस वालों ने मुझ पर हमला किया। वो दुबे, वो राजीव दुबे बोलता है, दरोगा है कि क्या ये साहब, दोनों है दरोगा। बाहर का आया हुआ है वो तो। इसी बीच रात 10 बजे तक कनीराम एवं उसके परिवार वालों को मधुसूदनगढ़ पुलिस ने थाने में ही बंद रखा। आखिरकार आधी रात बीत जाने के बाद मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी ने कनीराम एवं उसके परिवार वालों को छोड़ा, साथ ही धमकी दी कि अगर कल तक तूने यह जगह खाली नहीं की तो तेरे घर में आग लगवा दूंगा।
या फिर तुझ पर कई झूठे केस दर्ज करवा दूंगा। साथ ही उससे कहा कि तेरे पास सिर्फ कल तक का ही टाइम है। आज इसकी शिकायत कनीराम और दलित संगठनों ने गुना पहुंचकर एसपी एवं गुना कलेक्टर से की है और मांग की है कि मकसूदनगर थाना प्रभारी राजीव दुबे को तुरंत निलंबित किया जाए और राजीव दुबे के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाए। साथ ही मकसूदनगर थाना प्रभारी राजीव दुबे का हनुमान चौराहे पर पुतला भी जलाया गया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद व थाना प्रभारी मकसूदनगर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मकसूदनगर से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदन थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो थाना प्रभारी को, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। कन्हैयाराम को कल 26 तारीख में किसी जमीन के मामले में जो है उठाकर आना पुलिस लेकर आई, उसमें कुछ आरक्षक और दरोगा प्लस मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी राजीव दुबे उसको उठाकर लाए बेवजह रूप से और उसके साथ जमकर मारपीट की, उसको धमकी दी और 10,000 रुपये की मांग भी की और उसने 10,000 रुपये का जब मना कर दिया क्योंकि मजदूर आदमी है तो उसके साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट की शिकायत हमने जो है माननीय एसपी महोदय गुना को की है और जमीन से जो उनका कब्जा से संबंधित है उस मामले की शिकायत प्लस मारपीट की शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को भी की है और हम शाम को माननीय DGP महोदय से भी मिलेंगे और ये सारी चीज़ों से जो है अवगत कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसे थाना प्रभारी को जो है आवेदन पर निष्पक्ष जांच ना करते हुए राजनेताओं की चंगुल में फंसकर वो गरीब लोगों के साथ में असहाय मजदूर लोगों के साथ में अत्याचार कर रहा है, हम उसकी बर्खास्ती की मांग करेंगे और सस्पेंडी की मांग करेंगे। ऐसा अगर उन्होंने नहीं भी किया तो हम माननीय न्यायालय के शरण में जाकर उनके खिलाफ परिवाद लगाने का काम भी करेंगे। एकल अभियान अंचल गुना बाल गोपाल समागम व वनोत्सव 2018 कार्यक्रम का समापन आज स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में रखा गया। आज यहां बच्चों द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनका आनंद लगभग 275 स्कूलों से पहुंचे 400 बच्चों ने यहां आज लिया। गौरतलब है कि यह बच्चे विगत रात शहर के अलग अलग परिवारों के साथ उनके घर पर ही रुके थे, जिसके बाद सुबह नाश्ते एवं खाने के बाद आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रांगण पहुंचे। साथ ही इस कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारीगण भी मंचासीन रहे। अगली प्रस्तुति देश रंगीला लेके आ रही हैं प्यारी प्यारी बच्चियां, तैयार है बच्चियां? लाला राम जी का गाना अंचल एकल अभियान अंचल गुना द्वारा आज 26-27 फरवरी को गुना नगर में वन बंधुओं का आगमन, हमारे 270 विद्यालयों से 400 बच्चे गुना नगर में आए और ये सभी 400 बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर पर एकत्रित होकर इनका पूरे नगर में भ्रमण रैली के रूप में हुआ, जिसमें समाजजनों ने इनका फूल मालाओं से स्वागत किया और शाम को 6 बजे प्रताप छात्रावास में शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने इनको अपने घर एक एक बच्चों को लेकर गए और अपने घर पर ठहराया, खिलाया, पिलाया और आदरदारी की अतिथि के रूप में सुबह 12 बजे यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल पर सभी बच्चों को अपने परिवार के सदस्य छोड़ने आए बकायदा। और यहाँ पर आज हमारे कार्यक्रम का समापन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी मुख्य अतिथि है और एकल अभियान के अध्यक्ष श्रीवीर मिश्रा जी रहेंगे और
संस्कृति से परिचय कराना है। आज यानी कि 27 फरवरी को छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा स्थानीय पीजी कॉलेज प्रांगण में शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में यहां डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने एक पुष्प अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया, साथ ही शहीद चंद्रशेखर आजाद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में डीएसओ के कार्यकर्ताओं के साथ पीजी कॉलेज के अन्य छात्र छात्राएं एवं कॉलेज स्टाफ के सदस्य भी उपस्थित रहे। थोड़ा गैप दे गए बेटा, देखना चाहिए वो वाली कहां भी, इधर पीछे थोड़ा पी। खाने पीने की ये सब चिंता करते थे। एक घटना मुझे याद आती है कि जब उनके माता पिता को उनके चचेरे भाई के हाथ 100 रुपए भेजे जा रहे थे, तब उन्हें पता चला तो उन्होंने इस बात के लिए मना किया। उन्होंने कहा आज ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा स्थानीय गुना पीजी कॉलेज में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस पर यहां पर एक पुष्पार्पण कार्यक्रम रखा गया है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ लगातार पूरे देश भर में इन शहीदों के सपनों को, उनके अरमानों को छात्र युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज स्थिति यह है कि आज 27 फरवरी को किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया, जिस तरीके का आज माहौल है, किसी भी अखबार में भी ये न्यूज़ नहीं है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन क्रांतिकारी के विचारों को हम लोग सभी छात्रों युवाओं तक पहुंचा पाएं। इस मकसद से आज यहां पर एक कार्यक्रम किया गया है। इसमें पीजी कॉलेज के प्रोफेसर, साथ ही में यहां का जो कॉलेज स्टाफ है, साथ ही में यहां कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी गुना इकाई ने आज पुरानी गल्ला मंडी में जर्जर रोड को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडी से गुजरने वाले रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया था। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि 3 वर्षों से जर्जर इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। हालांकि पूर्व में भी प्रशासन से वे निवेदन कर चुके हैं, पर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा आज उग्र आंदोलन किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन से आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। साथ ही स्थानीय पुलिस बल के द्वारा वहां पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे तैसे वहां से हटाया गया। मंडी में 2-3 आवेदन देने के बाद भी, जिला प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी, विगत 3 वर्षों से डली हुई उखड़ी हुई सड़क को हम भरवाने के लिए, बनवाने के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनवाई होती, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, किसानों की सुनवाई नहीं होती। फिर भी जब कोई VIP आता है तो 24 घंटे में रोड डाल दी जाती है, जैसे कॉलेज रोड पर डाली हुई है। क्या VIP और आम आदमी में अंतर समझेगी शासन? ये हम नहीं अन्याय सहेंगे, इसलिए हमने आज आंदोलन किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 9वें दिन भी रही जारी। यहां हड़ताल के दौरान आज संविदा कर्मियों ने एक रैली शुरू की, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर पहुंची। यहां अंबेडकर भवन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को संविदा कर्मियों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी व्यथा इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सुनाई है। हेलो भूपेन्द्र भाई, आप नीचे आओ।
हड़ताल का नौवां दिन है और आज हम माननीय अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे उनके शरण में आए हुए हैं, क्योंकि संविधान जब उन्होंने रचा था तब उसमें कहीं भी संविदा कर्मचारी का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन हम भारत के सपूत आज उस दंश को भोग रहे हैं। 17 साल हो गए, 20 साल हो गए, विभिन्न विभागों में सारे कर्मचारी संविदा हैं और हम लोगों की लगातार 19 तारीख से हड़ताल जारी है, लेकिन शासन प्रशासन आज भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है, सारे पद खाली हैं। तो आज हम अंबेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनको ये अपनी दशा रोने आए हैं कि हम लोग भारत के नागरिक होते हुए भी आज हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है, जबकि संविधान में संविदा शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। म्याना के खजूरी मिडिल स्कूल में मना विदाई समारोह। म्याना से 4 किलोमीटर दूर शासकीय माध्यमिक विद्यालय खजूरी ग्राम में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि गांव के स्कूलों में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय खजूरी के प्रधानाध्यापक असगर पठान ने बताया कि वे इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अभी तक बड़े बड़े कस्बों में ऐसे कार्यक्रम होते देखे गए हैं, परंतु एक गाँव के लेवल में इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कक्षा 6 एवं 7 के छात्र छात्राओं ने कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को यहाँ पर विदाई दी। इसी बीच यहाँ दाल बाफला पार्टी की व्यवस्था भी हुई। इस कार्यक्रम में म्याना संकुल केंद्र से कई अतिथि भी पहुंचे, जिन्होंने बच्चों के कार्यक्रमों की प्रशंसा की एवं अंत में प्रधानाध्यापक द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान भी किया गया। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। म्याना कस्बे में थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होली पर्व पर भाईचारा बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी अमृतलाल परिहार द्वारा सभी म्याना वासियों से अपील की गई। एक बार दूसरी बात, मैं भी खुदता था, मैं क्या बोलूं। अरे सर, एक मिनट खड़ा हुआ देखा था मैंने, पूरा रोड दुकान वालों ने एक उंगली नहीं करी, खूब मस्ती कर रहा आज सरपंच जी के बाद दोनों पीड़ी बढ़ गए। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मामला ग्राम से आज बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में पहुंची। यहां इन महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में लगभग 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जो बेहद ही गरीब हैं, लेकिन उन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अन्य कई प्रकार की समस्याओं से भी इन्होंने जिला कलेक्टर को अवगत कराया।
शहर में चल रही विभिन्न पैथोलॉजियों में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में शिकायत लेकर आज कुछ युवा जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। इन्होंने बताया कि शहर में कई पैथोलॉजियों पर बिना किसी डिग्री के लोग काम कर रहे हैं, जबकि इन लोगों के पास एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री है, लेकिन इन्हें काम पर नहीं रखा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले यह युवा CMHO गुना को भी एक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गुना जिले में जितने हॉस्पिटल पैथोलॉजियाँ हैं, कुछ जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है सर। बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ बंदे काम कर रहे हैं जो सिखाए गए हुए हैं। और सर, हमने ओमकार कॉलेज से रजिस्ट्रेशन किया है एक्सरे टेक्नीशियन का। 3-3 साल में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा पैसा भी खर्च हुआ है। अब अगर ऐसा चल रहा था फर्जीवाड़ा, तो सर हम भी कहीं सीख के काम हम भी करने लगते सर। हमारे पास इन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है, कुछ लोग बेरोजगार हैं। ये हमारे अविनाश सोनी जी हैं, देवेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन अडवाणी हैं, ये कहीं भी नहीं लग रहा है। मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन ये लोग नहीं लग रहे हैं सर। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अदर सेंटरों पे हॉस्पिटलों में काम सिखा के और उन लोगों से काम करवा रहे हैं सर। तो कम पैसों में काम कर रहे हैं और बार बॉय काम कर रहे हैं, और हम सैलरी का अगर मांग करते हैं तो उसके बाद हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। ये बोल देते हैं कि आपको रिज्यूम दे जाइए और हम आपको बुला लेंगे सर। और इसलिए हमने 15 तारीख को ये जो निकल गई, 15 तारीख को CMHO साहब को आवेदन दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी क्या मांग? और इसके बाद सर हम जन सुनवाई में आए। मोहरी तालाब के समीप स्थित पिपरोदा कला ग्राम से आज ग्रामीण पहुंचे जन सुनवाई। यहां ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इनसे तालाब के किनारे पट्टे की जमीन दिलाए जाने के नाम पर 2,000 रुपए लिए थे, जिसके बदले में इन्हें 800 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रसीद भी दी गई थी। साथ ही अभी तक इन्हें यहाँ कोई भी जमीन नहीं दी गई है। यहाँ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि तालाब के किनारे जो जमीन इन्हें बताई गई थी, उस पर अन्य लोग जुताई कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो तालाब की जो जमीन की जो सास की जमीन रहती है तालाब की डूब गई, वो गरीब लोगों को, हरिजन आदिवासियों को पट्टे दिए जाते हैं नियमानुसार। तो हमसे पैसे ले लिए गए, 100 जने से 5-5 बीघा के पट्टे दे दिए गए और हमको रसीदें दे दी गई, और जमीन नहीं दे रहा है और जमीन दूसरे से जुटवा रहे हैं। कौन नहीं दे रहा जमीन? सिंचाई विभाग वाले। और सरपंच से पैसे लेकर सरपंच जमीन जोड़ती है पूरी तालाब की 500-700 बीघा। सरपंच हमसे लाए थे 2,000 रुपये लिए थे और 808 रुपये की रसीद दी गई थी। हमने कही ऐसा किया, हमने कहीं पट्टे भी मिलना है 5-5। कौन ने लाए थे पैसा? कौन? वो भी श्रीवास्तव सिंचाई विभाग में। रसीद है हमारे पास, सबके पास। पानी से परेशान सकतपुर रोड स्थित साई विहार कॉलोनी के निवासी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनकी पानी की समस्या को दूर कराया जाए। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में ना तो कोई हैंडपंप है और ना ही पानी की लाइन को वहां तक पहुंचाया गया है। साथ ही नाली एवं सड़कों की समस्याओं से भी इन्होंने यहाँ जिला कलेक्टर को अवगत कराया। समस्या है सर, मतलब भाई पानी नहीं है ना, तो कह के ना रोड है ना पानी है, बिल्कुल पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है पानी का, ट्यूबवेल नहीं है, हेडपम्प वगैरह कुछ नहीं है। नगर पालिका वाले बोलते हैं कि आप ग्राम पंचायत में आते हो, ग्राम पंचायत वाले पास जाते हैं तो बोलता कि आप नगर पालिका में आते हो, पन्नालाल पास जाते हैं ना तो ये कहता मैं कहीं पे मतलब तुम मीटर से नहीं हो पाएगा। मतलब अभी तक आप कहाँ से समस्या पूरी कर रहे हैं? पूरी ला रहे हैं हेडपम्प, हम चाहते हैं। अरे समस्या है सर, हमें क्या है पानी में? पानी क्या, हमारे पास पानी नहीं है बिल्कुल भी, हम प्यासे हैं। और इसके अलावा ना नाली है ना रोड है, और गंदा पानी भरा रहता है तो नाली में मच्छर भी हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। सर अभी तक पानी आप कहाँ से लाते? पानी एक ही हेडपम्प है तो बिगड़ गया बहुत दिन से ही, और अभी टैंकर हम गए थे अभी नगर पालिका तो टैंकर आया है, 2 टैंकर आ रहे हैं, परेशान है। और हम ही उठा रहे हैं, लाइन चाहिए या तो हमें लाइन दो, लाइन नहीं दो तो हमारे लिए ट्यूबवेल लगे। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।